अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, आजो आजो श्याम भैया, आप ही आजो। आजो यार, आजो यार, बैठो। और जाने कैसे आना हुआ यार? मौसम बहुत अच्छा हुआ था, हमने सोचा तेरे घर चाय पीने आ जाते हैं। हाँ यार, क्यों नहीं, मैं भी बनवा के लाता हूँ। हाँ हाँ, चाय बनवा के लाया, बिस्किट हो जाए तो और मजा आएगा, यू नो। चलो यार, मैं देखता हूँ अंदर क्या क्या पड़ा। यार मेरे दोस्त आए हैं, चाय यू ना दो। हर दफा तुम ऐसे ही कहते हो, मैंने नहीं बनानी चाय। यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बना दो आज। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, हर दफा तुम यही कहते हो जब तुम्हारे दोस्त आते हैं, कहते हो चाय बना दो, चाय बना दो। यार देखो, बना दो ना, तुम मेरी प्यारी बहन ही, हर काम करता हूँ मैं तुम्हारा। नहीं, मैं नहीं प्यारी बहन। यार तुम्हारी मेहरबानी, आखिरी दफा काम कर दो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शाम को तुमने मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ के आना है। हाँ मंजूर है, छोड़ाऊंगा, जल्दी जल्दी चाय बना दो बस। अच्छा ठीक है, आखिरी दफा बना रही हूँ। यार मैं चाय का बोल रहा हूँ, और सुनाओ कैसा जा रहा है तुम लोगों का? क्यों कर रहा है यार, निकम्मे दोस्त आ जाते हैं इसके। इग्नोर करो यार, बहनें ऐसी होती हैं। अच्छा वो छोड़ो, WT फ्राइज कैसा चाह रहा है तुम लोगों का? यार हाँ, वो तुझे बताना भूल गए, अभी ना वो फूड टेस्टिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह विद इन एक हफ्ते में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हाँ जाओ, आके चाय ले जाओ। यार मैं जरा चाय लेके हैं। ये लो यार, चाय आ गई तुम लोगों की। ये लो यार चाय। यार बहुत अच्छी चाय बनी है यार, बहुत मजे की। यार तूने डिग्री किया, उसका क्या फायदा हुआ तुझे? ठीक है यार, ज्यादा पर्सनल बातें हो रही हैं, मैं चलते हैं यार। चल चल। हाँ जानी, चलो ठीक है, आ जाओ। इरम ट्रे उठा लेना, मैं लेट रहा हूँ। चलो मुझे अब मेरी दोस्त के घर छोड़ो। ताहा अभी जाओ। ताहा तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? उठो, मुझे छोड़ के आओ, तुमने मुझे वादा किया था। यार थोड़ी देर तो सोने दो, शाम को जाएंगे ना। शाम हो गई है, देखो 6 तो बज गए हैं, और कितनी शाम होनी है। जल्दी उठो, मैं लेट हो रही हूँ। मैं नहीं जा रहा, मुझे तंग ना करो, सोने दो स्कूल से। आइंदा कोई काम नहीं करना मैंने तुम्हारा। ये क्या कर रहे हैं? इसको तो मैं बताती हूँ, आज नहीं पछताई है। आज से जिंदगी सुकून में, अब मैं इसे कौन सा काम करवाऊँ? ताहा जरा उठ के सफाई तो करो। क्या मतलब सफाई करो, घर की काम वाली तुम खुद ही सफाई करो। अच्छा तो ठीक है, ना करो सफाई, मैं ये फिर पिक्चर्स मामा को दिखा देती हूँ। कौन सी पिक्चर्स? बेटा ये वाली पिक्चर्स। तुम्हारे पास कहाँ से आई ये फोटोज? बेटा मैं स्टोर रूम गई थी, तुम सिगरेट पी रहे थे, मैंने तब तुम्हारी पिक्चर्स बना ली थी। अच्छा तुम सफाई करते हो या मैं मामा को पिक्चर्स दिखाऊं? अच्छा यार करता हूँ, मामा को ना दिखाना फोटोज। जिंदगी हो तो ऐसी, कोई काम नहीं करना पड़ा। वाह जी वाह, मैं किसे पैरेलल यूनिवर्स विच ते नहीं आ गई है। मुंडा काम पिया करदा, कुड़ी मौजा कर रही है, खैर ते है ना जी। माँ जी वो अब्बा जी के हालात देख के मैंने सोचा प्रैक्टिस ही कर लूं। हाय हाय, मुंडा ते आज कॉमेडी कर रहे हैं। वैसे आज चंद चढ़िया कितों है? मैं रानी साहिबा भी बैठी है। मैं रानी साहिबा, तुहानू कोई काम नहीं? और मामा वो मेरी और ताहा की डील हो गई, आज तो सारे काम वो ही करेगा। अच्छा चल देखो ना, ये बर्तन भी तो आ, इनू पता लगे सी किस तरह मेहनत करनी है। कोई मसला ही नहीं मामा। ताहा तुमने सुन लिया ना मामा ने क्या कहा है? बेटा एक काम कर दिया तो ज्यादा शोही ना हो, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं करना। मैं फोटोज दिखा दूंगी मामा को। जा दिखा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्लास लगवाती हूँ। मामा मैंने ना आपको एक बात बतानी है। तेनू की तकलीफ हुई है? मामा आपको पता है ताहा भाई क्या करते हैं? नहीं, की करते हैं? बेटे पे ध्यान रखा हो तो आपको पता हो ना। मेरी बुद्धिमान ना बन, जड़ी गल है सीधी दस। ये देखें, ताहा भाई चुप चुप के सिगरेट पीते हैं। मैं पहला भी मना किया कि ना सिगरेट पिया कर, सेहत से नहीं चंगा होता। नाले तू इतना क्यों ध्यान रखनी होता, अपने काम तो काम रखिया कर। मैं उसकी शिकायत करने आई हूँ, आप ऊपर से मुझे डांटना शुरू हो गई है। तू तो क्यों ध्यान रखन दी है, भरावा दी ना गलां दे पर्दे पाई देने। चल जा हुण काम कर, फड़ मोबाइल अपना। आप ना हमेशा उसी की तरफदारी किया करे, मुझे तो लगता है आपने कूड़े से उठाया। जा रही हूँ मैं। हाँ मुझे भी एक पॉपकॉर्न दो। इतने ज्यादा पॉपकॉर्न, तुम ऐसा करो ये भी अपने पास ही रखो, तुम्हारे काम ना पड़ जाए। ताहा क्या मसला है? ताहा यार मुझे कुछ खाने के लिए ला दो, मामा ने घर पे बैंगन बनाया, मैंने वो नहीं खाने। मैंने नहीं जाना, प्लीज चले जाओ। एक शर्त पे जाऊंगा, आधा मुझे देना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, आधा दे दूंगी। अच्छा चलो दो मिनट सिर्फ। इरम खाना आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब क्या मसला है? ये सही बराबर आधा नहीं हो रहा, अब होगा बराबर। टोटल 8 है, ठीक है इधर से काटो, इसे आने ना करो। नहीं नहीं बेटा इधर नहीं, इधर इधर से काटो।
हाय अल्लाह इतना गंदा कमरा और तुसी इंसान हो के जानवर जानवर भी ना अपनी जगह साफ करके बैंदा है एनु की जंगल बनाया है तू मामा क्या हो गया मैं उठा दूंगी अभी बारो कोई आ गया तेरा कमरा वेले की बोलेगा फिर अच्छा मामा मुझे एक बात बताएं किसी ने सीधा मेरे कमरे में ही आना है चल चल मेरे के बोधी जबान ना चला चुप करके काम कर मामा ताहा का कमरा देखा आपने जाके मेरे से भी ज्यादा गंदा होता है उसका कमरा अच्छा मेरे ना लाओ दा कमरा वेने उठ माशाल्लाह माशाल्लाह वेख पता लगदा इंसाना दा घर है ते तू जानवर जई इंज दी नेक औलाद नु मैं डांटा एदा कमरा वेख किन्ना साफ सुथरा है अपना कमरा वेख जाके तू ते मेरे ते गई नहीं ए मेरा मुंडा मेरे ते गया पता लगदा तरबियत होई चल जा हुन अपना कमरा साफ कर जाके नाले मेरे मुंडे नु पढ़न दे ओ पढ़दा पिया चलो किन्नी नेक औलाद है मेरी तू नहीं ओ जरा चेक तो करू कर के रहा है बेटा हर टाइम तैयार रहना पड़ता है कभी ना कभी तो मेरे हाथ आओगे ना जाओ जाओ देख लूंगा तुम्हें रात को तुम कह रहे 1 2 3 को रात को तुम कह रहे थे मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना है मैं छोड़ूंगा अब से मैं बाजी से बात भी कर लूंगा 2 3 मैं कुछ नहीं बोल रहा 1 2 3 गो 1 2 3 गो नहीं नहीं आ रहा बहुत हैंडसम 1 2 3 गो अभी ये है 2 3 गो जिंदगी की 1 2 3 गो ओहो पहले बता दिया यार 1 2 3 गो अच्छा चले देखो आज ना बर्तन भी तो आए ना पता लगे इस असली किस तरह मेहनत करनी 1 2 3 गो तेनू की तकलीफ हुई है बारा घर 2 3 गो मामा मैं तो सारे काम करती हूँ वो कोई काम नहीं करता मैं उसकी शिकायत 2 3 गो नाले तू इतना क्यों ध्यान रख नहीं होता जा जा नहीं 1 2 3 गो ये सही है जो सारा सारा दिन काम करता रहता है उसको डांट पड़ती रहती है और जो कुछ भी नहीं करता वो आराम से वेला बैठा रहता है नहीं इस तरफ आके थोड़ा बैठे 1 2 3 गो ये सही है जो सारा सारा दिन काम करता रहता है उसको डांट पड़ती रहती है और जो कुछ नहीं करता निकल आप ना बस अपने बेटे की आप ना बस अपने बेटे की तरफदारी किया करें मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं हूँ जाने दो मुझे तो आपने कूड़े से उठाया मुझे तो ऐसे मतलब कूड़े से उठाया मुझे अडॉप्ट किया है इस तरह बोलिए मैं जैसे अडॉप्टेड बच्चा हूँ उसको आप कुछ कहते ही नहीं है मैं जा रही हूँ ये सही है जो सारा सारा दिन काम करता रहता है उसको डांट पड़ती रहती है और जो वेला बैठा रहता है उसको कुछ नहीं कहते